हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकेडमी आने की तैयारी कर रहे होंगे. फ्रेंड्स, सॉरी फॉर वेरी लेट अपडेटिंग वीडियो फॉर यू. एक्चुअली मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ का रूटीन अभी इतना हैक्टिक चल रहा है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने के लिए. बट फिर भी मैंने कमेंट में देखा एक रिक्वेस्ट जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, भी बता देना और बता भी देना चाहिए. तो फिर मैं उसके लिए एक वीडियो बना के लाई हूँ. आप लोगों के कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स थे कि एकेडमी आते टाइम क्या क्या चीज़ें लेकर के आए, बिहार पुलिस एकेडमी में किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि आप वैसी ही चीज़ें यहाँ पर लेकर के आए जो बहुत ज़्यादा आपके लिए नीडी हो. मीन्स आप कुछ खाने पीने की सामान बाहर से ला सकते हैं या अपने पर्सनल कपड़े, ये सब चीज़ें ला सकते हैं. जहाँ तक रही एकेडमी के जो एकेडमी में यूज़ होने वाले ड्रेसेस हैं, वो आपको फ्रेंड्स यहीं पे आकर लेने होंगे या यहीं से बनवाने होंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी एकेडमी का ही पीटी ड्रेस वाला टी शर्ट पहना हुआ है. तो आप बाहर से, हालांकि यहाँ पे चलता तो वाइट एंड वाइट ही है, वाइट लोअर एंड वाइट टी शर्ट, लेकिन आप किस तरह का लेंगे, क्या उस पर लोगो होगा, ये एकेडमी डिसाइड करती है. आप अगर बाहर से ले भी लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे आकर के लेना ही पड़ेगा. इनका एक सिम्बॉलिक वाला टी शर्ट होता है, हो सकता है इन्होंने लोअर भी उस तरह का, और ऐसा नहीं है कि हर साल एक ही होता है. हमारे से जो पहले यहाँ पे बैच था उनका कुछ अलग था, हम लोगों का कुछ अलग है. तो हो सकता है आप लोगों का यही चले या चेंज हो जाए, तो वो आपको यहीं आके लेना होगा. उसी तरीके से अगर वर्दी की बात करें, आप बाहर से बनवा लेते हैं तो नो डाउट वो आपके लिए अच्छा है, बट हो सकता है वो एकेडमी में नहीं चले. हमारे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे लोग बाहर से वर्दी बनवा करके ले आए थे. वो बाद में आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कभी फील्ड में काम कर रहे हों या कुछ भी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो ऊपर अथॉरिटी की तरफ से एक सेम कलर सीक्वेंस के लिए हर किसी को कपड़ा पहनना होता है, एक यूनिफॉर्म वे में क्या आप कह सकते हैं कि सबका जो ड्रेस का कलर है वो एक जैसा ही होना चाहिए. हालांकि आप अभी इसमें नए हैं तो आप समझते होंगे खाकी ही कलर तो है, लेकिन खाकी में भी क्या होता है ना कि बहुत स्लाइटली का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, कलर कॉन्ट्रास्ट में चेंज हो जाता है. तो आप उसका यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, यहाँ पे टेलर्स हैं, यहाँ पे शॉप्स हैं और हर चीज़ की सुविधा आप लोगों को दी जाएगी. हम लोगों ने भी यहीं पे आकर के अपने ड्रेसेस बनवाए थे और वही यहाँ पे यूज़फुल भी होते हैं. आपने अगर बनवा लिए हैं तो वो वेस्ट नहीं होनेगा, वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है. आप जब एकेडमी से बाहर निकलेंगे तब आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एकेडमी में अगर जिन्होंने नहीं बनवाया है तो उनको यहाँ आके बनवाना है. आपको लोअर टी शर्ट भी यहाँ आके ही लेना होगा. आप ला सकते हैं बाहर से, अगर किसी तरीके से यूज़ हो गया तो ठीक है, बट क्या है कि यहाँ पे एक लोगो मैंने आपको बता दिया. दूसरी चीज़ रही शूज़ की, तो वो भी आपका वाइट स्पोर्ट्स शूज़, अगर पीटी ड्रेस के लिए बात करें तो उसमें कोई लोगो अभी तक नहीं डिसाइडेड है और ऐसा कुछ होता भी नहीं है अभी तक. तो हम लोगों ने भी आपके जो भी आपके शूज़ हैं वाइट शूज़, वो आप जहाँ से चाहे ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ भी मिलता है. अगर आप बाहर से परचेज करके लाना चाहते हैं तो बाहर से भी ला सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है. और वर्दी के लिए जो रेड शूज़ होता है, रेड बूट होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं. तो वो आपको बाहर अगर मिल जाता है तो आप ले ले, नहीं मिलता है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हर चीज़ के शॉप से हर एक चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा. दूसरी चीज़ रही जो आपके पर्सनल कपड़े हैं वो आप रख लें. उसके बाद एक दो सेट आप कोशिश करें, जो क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक कैजुअल वेयर के अलावा जो एक फॉर्मल वेयर है वो भी आप रख लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा. क्योंकि कभी कभी यहाँ पे आदेश आ जाता है कि फॉर्मल कपड़े में सारे लोग आ जाएं, सब लोग असेंबल हो जाएं, तो फिर आपको उस टाइम पे सोचना पड़ेगा कि फॉर्मल कपड़े कहाँ से लाए. तो वो चीज़ आप रख लें. खाने पीने की अपनी चीज़ें आप रख लें, बहुत ज़्यादा भी लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी भी शॉप्स यहाँ हैं, आप जब चाहे जो चाहे जितना चाहे खरीद सकते हैं. रही बेडिंग्स की बात, तो आपको मैट्रेस, बेडशीट, पिलो ये सब कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मिलता है. लेकिन ध्यान रखें, बेडशीट और पिलो कवर एक एक ही मिलता है, तो आप एक्स्ट्रा लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, बट पिलो आप मैट्रेसेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे तो उसको लाने की ज़रूरत नहीं है. बाकी जो फर्नीचर है वो तो यहीं का होगा, बिल्डिंग यहीं का होगा. और
बाकी खाने के लिए मैस यहाँ पे है, इसके अलावा कुछ भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ चाहिए भी नहीं होता है यहाँ। अगर कुछ भी ऐसा ज़रूरत का सामान होता है जो आपको चाहिए एकेडमी के पर्पज़ से, तो वो वहाँ पे आपको मिल जाता है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से भी अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो उसके लिए टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। बट ख्याल यही रखें कि आपके पर्सनल जो चीज़ें हैं यूजेस के, खाने पीने के और पर्सनल कपड़े, साथ में आप कोशिश करें कि आप फॉर्मल कपड़े ज़रूर रख लें एक या दो सेट अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे अगर कभी आदेश आ गया तो हो सकता है आपको पहनना पड़ जाए, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। और यूनिफॉर्म वगैरह के लिए तो यहाँ पे आराम से सिला जाएगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं जो आपने पूछनी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी।